नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ में आपका स्वागत है। सोनाली फोगाट का निधन के बाद से ही लगातार यह रहस्य बना हुआ है कि उनका निधन तबीयत बिगड़ने की वजह से हुआ था या इसके पीछे कोई साजिश थी। इसी बीच इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सोनाली फोगाट के परिवार वालों को किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से दो पत्र प्राप्त हुए हैं। पहले पत्र में कहा गया है कि सोनाली फोगाट का निधन के मामले में 10 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जबकि दूसरे पत्र में दावा किया गया है कि इस पूरे मामले में एक नेता भी शामिल है। सोनाली फोगाट के साले अमन पूनिया ने कहा कि दोनों ही पत्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है इस पूरे मामले से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। अमन ने आगे कहा कि एक पत्र एक महीने पहले मिला है, जबकि दूसरा पत्र कुछ दिन बाद ही मिला है। इससे पहले सोनाली फोगाट के भाई के ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने उनकी बहन की हत्या करवाई थी। इसी साल हिसार में हुई सर्व खाप महापंचायत के दौरान सोनाली के भाई रिंकू ने यह आरोप लगाया था। वहीं देखा जा रहा है कि सोनाली फोगाट के निधन को लेकर लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है। खाप के प्रवक्ता संदीप भारती ने कहा कि सोनाली फोगाट के परिवार के सदस्यों के आरोप के बाद सर्व खाप महापंचायत ने फैसला लिया है कि महापंचायत के सामने कुलदीप बिश्नोई को अपनी बात रखनी होगी और इस मामले में सफाई देनी होगी। वहीं अमन ने जानकारी दी है कि सोनाली की बहन रुकेश ने भी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेगी। अमन ने कहा कि सोनाली की बहन रुकेश जो है वो आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी, हमारा आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी लिंक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमन ने आगे कहा कि हम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम लोगों से इसकी चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। बता दें कि 23 सितंबर को गोवा कोर्ट ने सोनाली फोगाट के निधन के मामले में दो संदिग्ध आरोपियों की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में निधन हो गई थी। पुलिस का दावा था कि उन्हें पानी में मिलाकर कुछ संदिग्ध पदार्थ पिलाए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा केस एक अलग रुख लेता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद अब देखना यही होगा कि पुलिस इस पूरे केस पर आखिर क्या रुख अपनाती है। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।